सारे तीर्थों को लेकर आई। जब भी आप स्नान करने जाते हैं, चाहे आप तालाब में जा रहे हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, जब भी आप स्नान करने जाते हैं, याद कर लीजिए, मैं रोज नहीं बताऊंगी इस बात, आज बता रही हूँ, कल से आपको इसको शुरू करना है। सुबह से जब आप नहाएंगे, आपको क्या करना है, बाल्टी में पानी है, अब आपको सोचना है बस 2 मिनट, क्या सोचना है कि समस्त तीर्थों का जल इस बाल्टी में है, सारी तीर्थों की नदियों का, गंगा, यमुना, कावेरी, महानदी, सरस्वती, जितने भी संसार की नदियां, तीर्थों की नदियां, समस्त तीर्थों की नदियों का जल है यह इस बाल्टी में, जिससे मैं स्नान करने जा रही हूं या जा रहा हूं। सुनिए ध्यान से, समस्त तीर्थों की नदियों का जल है और ये औषधि युक्त जल है, ऐसा वैसा नहीं, समस्त तीर्थों की नदियों का दिव्य जल है और औषधि युक्त जल है, उस जल से आपको स्नान करना है, वहां बनाना है, बस 2 मिनट सोचना है कि समस्त तीर्थों की नदियों का जल से, जो औषधि युक्त है, दिव्य जल से मैं स्नान करने जा रही हूं या जा रहा हूं। उसके बाद आप लोग अपने ऊपर पानी डालें भगवान का नाम लेते हुए, और फिर क्या करना है सोच सुनिएगा। आपने पानी डाला तो आप देखिए कि जैसे ही ये दिव्य औषधि युक्त जल मेरे शरीर पर पड़ा तो उससे क्या हुआ, जितने मेरे विकार हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, सारे विकार बह करके पानी के साथ जा रहे हैं। मेरे सारे कष्ट, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सारे बह कर जा रहे हैं, सब बह रहे हैं, सब बह कर जा रहे हैं। आप करिए रस्सी से कि मेरे सारे विकार बह कर जा रहे हैं पानी के साथ। अरे कोई छोटी मोटी है क्या गंगा नदी, ठाकुर जी के चरणों से निकली है, उस नदी में स्नान करेंगे प्रतिदिन। फिर यमुना तो ठाकुर जी की प्रेयसी है, सरस्वती ठाकुर जी की पत्नी है, सब प्रेयसी है, सब ठाकुर जी के हैं, और आप उनकी नदियों की दिव्य नदी के जल में स्नान करोगे तो कौन सा विकार बचेगा। तो देखना आपके मानसिक विकारों पर कितना आपका शांत हो जाएगा मन, और शारीरिक कष्ट भी आपके से कितने शांत हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाइयों को आप ले रहे हैं, आपको कोई बीमारी है आप दवाई ले रहे हैं तो दवाई लीजिए, साथ साथ डॉक्टर ने जो कहा है ये दवाई आप प्रतिदिन कीजिए, साथ साथ इसको भी कीजिए तो जल्दी आपको लाभ मिलेगा डबल। जब जुड़ जाएगी साधना आपकी संसारिक, ये भी लाभ दवाइयों का भी साधन जुड़ेगा और इधर अध्यात्म का साधन भी जुड़ेगा। जब दोनों साधन जुड़ेंगे तो जल्दी आपके प्रारब्ध कटेंगे, जल्दी पाप कम होंगे, जो कष्ट शरीर के हैं या मन के हैं वो जल्दी खत्म होंगे। तो दोनों शारीरिक बाहरी दृष्टि से आप जो उपचार कर रहे हैं वो कीजिए, उसको नहीं छोड़ना, लेकिन साथ साथ ही साधना है आशीर्वाद मुद्रा वाली और नहाने वाली, प्रतिदिन 1 दिन का गैप नहीं छोड़ना। नहाते तो रोज ही है तो कितना समय लगता है सोचने में, आपको ये दिखेगा, देखना 1 दिन आपको ये दिखेगा कि मेरे शरीर से गंदा गंदा, मन में दिखेगा भाव में कि सचमुच में आपको ये भाव में लगेगा कि मेरे शरीर से मन से बहुत गंदा पानी निकल रहा है, बह कर जा मेरे विकारों का। तो जैसे जैसे कहते ना संसार में जो आप सोचो वो होने लगता है, नेगेटिव सोचोगे, नकारात्मक सोचोगे, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, सचमुच भी नहीं। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, सचमुच में चले जाए, आप करके देखिएगा। मैंने कहा ना आप अनंत पूरा संसार भी मेरे नाम कर दो तो भी साधना का मूल्य नहीं दे सकते आप मुझे, तब भी आप मुझे खरीद नहीं सकोगे कि हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये साधना आपको भगवान से मिलाने वाली है। क्योंकि जब मन के विकार खत्म होंगे तभी तो रुझान अच्छे से होगा, जो मन अगर गंदा रहेगा तो कैसे शुद्ध मन को करेंगे, कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो ये साधना करेंगे और साथ में आपको और भी, मैं भी 5 दिन है अलग अलग साधना बताती जाऊंगी, इसलिए प्रतिदिन की साधना अलग अलग है, 21 तारीख को साधना नहीं होगी, बस अभी 3 दिन हम लोग करेंगे, 18, 19, 20 को, 21 को नहीं करेंगे। उस दिन केवल अभी और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे उस दिन हम साधना नहीं करेंगे, केवल अभी 3 दिन का, और स्पेशल साधना करेंगे गोलोक जाने वाली, इस ब्रह्मांड से कैसे ऊपर जाया जाता है भाव दे शरीर के साथ, ये सारी साधना प्रतिदिन कोई ना कोई नई साधना सिखाऊंगी।
वाली, आपको जो मन करे वो साधना को कीजिए, लेकिन ये आशीर्वाद मुद्रा वाली और स्नान वाली साधना प्रतिदिन करें बिना रुक। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं?